खाली कर गिना पर निकाली कर क्या नाम है हमारा? क्या नाम है हमारा? पैर छू के दया करोगे? हमें जानते हो हमारा नाम क्या है? अब सब बताएगी। हमें जानते हो क्या नाम है हमारा? अच्छा, क्या है? अगर इधर देखा करो, इधर आई से। क्या नाम है हमारा? कहाँ रहते हो? सिसियर, हमें जानते हो क्या नाम है हमारा? क्या नाम है हमारा? कहाँ रहते हो? आयुष्मान। प्रधान जी, भैया भैया कार्यक्रम करवा रहा है ग्राम समाज से। पूरे ग्राम की आपने कार्यक्रम कराया? जी जी। पूरे गांव की सहमति से? जी जी जी। कब से? बीधन सालन से। तूने कहाँ देखा था मुझे बेटा? वोकन में। वोकन में पहली बार? जी, पहली बार वोकन में। नाम क्या तुम्हारा? नीरज कुमार। नीरज कुमार, कहाँ रहते हो? सियर। बेटा नाम क्या है? दिलीप। कहाँ रहते हो? सियर। और हमारा नाम क्या है? मैं जानते हो जान तो बच्चा बच्चा। पिताजी का नाम क्या है? शिव कुमार। तुम्हारा नाम? आकाश। हमें जानती हो हमारा क्या नाम है? कन्हैया, तेरा नाम क्या है? देश। पिता का नाम? और हमारा नाम हमें जानती हो? आ जाओ लड्डू गोपाल। सिर रहते हो? हमारा नाम हमें जानते हो? खूब जानते हो। चलो चलो भैया, चलो उधर। हमारा नाम क्या है? पापा का नाम? गांव का नाम? उड़ेली। उड़ेली। अच्छा अच्छा, मैं जानती हूँ। हमारा क्या नाम? कथा सुनने आई? कब से आ रही हो? कई दिन हो गए? हर दिन सुनी कथा। आओ चट्टू। कौन सी क्लास में जाते हो? कौन से स्कूल में जाते हो? विद्यालय में। पिताजी का नाम? क्या भाई हो? दो मेरे को जानते हो? तेरा नाम क्या है? आ जाओ छोटू। हमारा नाम क्या है बेटा? हमें जानते हो? प्रसाद मिला करता है कथा, आया करते हो? मम्मी आती है? अच्छा। पापा? छोटू स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? जोर से। चार में। चार में। स्कूल का नाम क्या है तुम्हारे? और पिताजी का नाम? मोर। और हमें जानते हो हम क्या करते हैं? क्या नाम है हमारा? कृष्णा दीदी। अच्छा, बात सेवक। आप यहाँ के सेवक हैं तो आप सेवा करते हैं? कब से? यहाँ पर हो जाएंगे दो साल। स्कूल कितना समय हो जाएगा? दो साल हो जाएंगे। दो साल है? तो आप यहाँ के सेवक हैं तो कब से सेवा कर रहे हैं? दो साल हो गए। तो आपका प्रण है कि यहाँ यही सेवा करेंगे? यहीं पे जो है।
बाबा ने आपसे कुछ कहा? नहीं, बाबा रहने के लिए कह रहे हैं। आप स्नान कहाँ करते हो? स्नान इसमें बाबा की तीर्थ में करते हैं। गंगा में करते हो? हाँ जी। सुबह 4 बजे? जी। कितने समय करते हो? 4 बजे, 4 बजे हो जाता है इसका समय, 4 बजे। शुभ नाम क्या है तुम्हारा? बादशाह। बादशाह दोबारा बता दियो। क्या नाम है? बादशाह निवासी है फरेंदा। बाबा के आप भक्त हैं? जी। बाबा के भी दर्शन देते हैं तुम्हें? हाँ, बाबा दर्शन देते हैं। तुम्हारा कुछ यहाँ से कल्याण हुआ? जी बोल, कल्याण हुआ। बाबा ने सब दिन सच्चा स्थान है, स्थान है। स्थान तो सभी सच्चे होते हैं, जहाँ जिसकी आत्मा को शांति मिल जाए, जहाँ जिसकी भावना को। इसका निर्माण वैसा कुमार सोमवार। अच्छा, तुम्हें ये जानकारी है ये बाबा का स्थान कब से, कितना समय हो गया? नहीं, जो तो बहुत पुराना, लगभग 500 वर्ष से कम नहीं होगा। 500 साल पुराना है? हाँ, बहुत पुराना स्थान। बहुत पुराना है, 500 साल पुराना स्थान। 500 पुराना है। यहाँ कोई किस नाम से है ये? बाबा केवलदास के नाम से है। और कोई संत हैं? ठाकुर दास जी हैं, लेकिन ये तीर्थ जो है, जब वो मुझ पर प्रसन्न हुए तो उन्होंने बताया कि ये हमारा तीर्थ है, इसी में मैं पूजा करता था, स्नान करता था, मैं और ठाकुर दास जी, इसी से हमारा उद्धार हुआ है और स्नान करने से तुम्हारा भी कल्याण हुआ। भक्त जी, सर पे कपड़े डालिए पहले, इसके बाद बोलिए। देखो, ऐसा है, ये स्थान हमारा बहुत पुराना है, इसको लोग पहले तो गंदा करते थे, लेकिन किस समय मैं अपने भक्त से प्रसन्न हुआ तो तब से यहाँ पे जो है लेटरिन करना बंद किया है। मेरे गुरु जो थे मथुरा जी के रहने वाले थे, उनका नाम शिवदास था, और महाराज कुछ इसकी विशेषताएं आप बताएंगे? जी, मैं बता सकता हूँ आपको, जो आपको जानकारी हो विशेषताएं यहाँ की, क्या क्या विशेषताएं हैं बाबा के अंदर? नहीं, मेरा सच्चा दरबार है जी। देखिए, मैंने किसी से सेवा नहीं चाही, क्योंकि मुझे सब सच्चा भक्त नहीं मिला और मुझे चाहिए भी नहीं था, लेकिन हम मुझसे जिससे सेवा करवानी थी, जो मुझे सच्चा भक्त मिला तो उसी को मैंने शिष्य बनाया, वो हमारा शिष्य है, मैं उनका पीछे। इसने शक्ति और ज्ञान भी पाया है मुझसे, ऐसा नहीं, क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है वो किसी देव को बुला सकता है, जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक कोई ऐसे देव को नहीं बुला सकता। देखिए, जो पैसे कमाते हैं, जब तक धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं लगाते हैं तब तक देव नहीं आता। देखो, मुझको आना एहसान है इसके पास, लेकिन जा नहीं सकते जब तक ये भेज नहीं सकते। सामने वाला डाला है, यहाँ पर स्थान के पास में ये जमीन आती है? जमीन हमारी अभी पड़ी है, ये हमारे भैया की। तो इस स्थान के बारे में आपको कोई जानकारी है? हाँ, 1970 में हम आए थे, तो उस टाइम यहाँ के बुजुर्ग आदमी कहते थे कि यहाँ जो तालाब है, कोई गाय कोई भैंस आगे गाबन ठहरती नहीं है, तो इस तालाबों में चक्कर लगा के, छींटे लगा के, ये बाबा केवलदास के पूरा चक्कर लगा के
तो अपने घर ले जाते थे, तो वो आगे वास्ते उसकी अमेरिकारी हो गई थी। ये स्थान बहुत पुराना है। आपको ये जानकारी है स्थान कितना पुराना है? ये हमको इतनी नहीं, हम तो 1970 में आए हैं। 1970 से देख रही हैं जी। बहुत लोग बहुत बरेली से आते हैं, लोग यहाँ दूध खीर ले के आते हैं, हम अच्छा देख के जाते हैं, हमको मिल के जाते हैं। बाबा के अंदर विशेषता है, जिसकी जैसे लगती हो वो यहाँ लेकर के आ जाए। हाँ जी हाँ जी। या घर बैठे बोल कह दे कि हम खीर चढ़ाएंगे। हाँ हाँ, तो लगने लग बिल्कुल पूरा होता है। नाम लेकर चढ़ाए। हाँ जी। किसके नाम से? बाबा केवल, बाबा केवलदास। और भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? कोई भी है, मतलब हम तो देखते हैं, हम जो मांगा है भगवान ने दिया है। आपको मिला जी? हाँ, हमने मकान बनाया है। धर्मशाला आपने ही बनवाया? हाँ जी हाँ जी। इसी टाइम हम लोग जब आए थे तो हमने हाथ जोड़े से बाहर जाने के, इन्होंने हमारा काम कर दिया था। हम बहरी जहाज में रहे, आप था डेनमार्क, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस, चाइना, जापान, सब जगह हम घूमते हैं। इन्हीं के जवाब बाबा की महिमा बहुत है जी। मानो सब कुछ है, ना मानो कुछ नहीं। इन्हीं की दुआ है जी। हम तो बैठे हैं, कईयों लोग आए हैं, कईयों चले गए, हम पहले के बैठे हैं यहाँ, बड़ा आराम कर रहे हैं। इसी दुआ है। ट्रैक्टर दिया नौ, ये पिछले साल में 2013 का हमने कोपर डारा हुआ था मंडी में, महमदी मंडी में। तो कोपन वो ऐसा जनवरी में निकला, तो एक सोनाली का ट्रैक्टर 35 का हमको ऊपर वाले ने दिया, हमारा एक पैसा नहीं लगा। उसी की है, उसकी कृपा वही है, भगवान वही सबको देने वाला है। केवलदास बाबा की, केवलदास बाबा की दुआ है, वही देता है। अब बताइए, आप इतनी बड़ी सच्चाई को छुपा रहे हैं, इतनी बड़ी सच्चाई को आप छुपा रहे हैं ना? हमारे हम 5-6 रोज हो गए, हम पंजाब से आए हैं, भैया गए थे, लड़के की बरात थी, तो वो बहुत लोग हैरान हुए कि आपको कैसे जी मिल गया। हमको बाबा केवल इनके ऊपर वाली जो जटाएं हैं बोल लीजिए। यहाँ हो गए बावन राधे राधे दीदी, राधे राधे उत्तर। बोली कहाँ गयो काना मैया की ललता, बोली कहाँ गयो काना, जल्दी से बतला दे मैया। बोली कहाँ गयो काना,
की आती जाती थी, आज न जाने किसी विस्तारी सर्फ ने डस लिया, और न मुख से बोलती है न तो नैना खोलती है न जल को पीती है। मैया बोली फिर हमाओ लल्ला का करेगो, कही सुन मैया तेरे तो लल्ला है। और तेरो बेटा जो है वो कैसे है मालूम है? इबारो का ना गुन बारो है, जा तू तो ना से न्यारो है, एकारो जा रहे तब से न पड़े।